श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में हम लोग दशम सर्ग करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने आलोचना की कैसे दशरथ को चिंता हो रही है कि उनके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है और उन पर एक बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। और जैसा कि हम लोग बाद में देखते हैं सच में समस्या आई। वो श्री रामचंद्र जी को युवराज बनाना चाह रहे हैं। बाद के ग्रंथों में अलग अलग वर्णन आता है कि एक स्वाभाविक रूप से करना चाह रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में आता है कि दशरथ को भी चिंता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भरत को बनाना पड़े। यहाँ वर्णन नहीं है कि ऐसा क्यों कहा गया है, लेकिन कुछ कुछ स्मृति में है कि ज्येष्ठ भ्राता के बाद जो दूसरा है उसको भी अधिकार मिलता है, लेकिन साधारणतः नहीं, मनुस्मृति आदि में बड़े का है। और हम लोग मुगल साम्राज्य में जिस से देखते हैं, सत्ता के लिए लोग अपने पिता को बंदी बना देते हैं, भाई का खून कर देते हैं, या भारत में यह परंपरा नहीं थी, तो समझ में नहीं आता है क्यों ऐसा कहा गया। और बाद के ग्रंथ में इसलिए है कि उनको लगता है, उनको अपनी चिंता बनी हुई है, इसलिए वो बना देते हैं जल्दी में। इसके बाद देखा कैसे मंथरा भड़काती हैं कैकेयी को। उसमें हम लोगों ने आलोचना की थी कि धर्म ग्रंथ में जो शास्त्र हैं, विशेष करके भक्ति शास्त्र, वहाँ पर भगवान के साथ ऐसा होगा, हम लोग इसको नहीं मान पाते हैं। और इसीलिए विशेष करके तुलसीदास जी के रामचरितमानस में कहानी आती है कि कैसे देवता लोग सरस्वती को प्रार्थना करते हैं और सरस्वती मंथरा में प्रवेश कर उसके मुंह से कुछ कुछ निकलवाती है। लेकिन वाल्मीकि रामायण बिल्कुल मानवीय गुणों पर आधारित है, जहाँ पर कि अवतार जब आते हैं वो लीला कर रहे होते हैं, लेकिन उनका व्यवहार पूर्ण रूप से मानवीय होता है और उनके आसपास जो रहते हैं उनका भी व्यवहार मानवीय रहता है। जब आप श्री रामकृष्ण देव की जीवनी बहुत गहराई से पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि उनके आसपास जो भी हैं, यहाँ तक कि अंतिम समय में जब श्री रामकृष्ण देव शैयाग्रस्त हो गए, बचने की संभावना नहीं थी, उसमें कुछ कुछ भक्त लोग बोल रहे हैं कि अरे यह तो सब कुछ उनका जो है लीला है, नाटक है, कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं हो रहा है। और नरेंद्रनाथ जो स्वामी विवेकानंद बने, बहुत नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं उनको कष्ट हो रहा है, सेवा करते हैं इत्यादि। तो यह बहुत पुरानी समस्या है हिंदू धर्म ग्रंथों में, जहाँ पर भक्ति वाले इसको मानना नहीं चाहते हैं और भक्ति के बाहर जितने भी शाखाएं हैं, परंपराएं हैं, उनके लिए या तो वो महापुरुष हैं और अगर अवतार भी हैं तो उनके लिए सब कुछ मानवीय गुण के अनुसार ही होता है। हम लोग यहाँ वाल्मीकि रामायण कर रहे हैं, जैसा है वैसा ही हम लोग करेंगे। यहाँ पर अब संक्षेप में बतला दें, कैकेयी अब अपने दो वर के बारे में बात करती हैं। राजा दशरथ को विश्वास नहीं हो रहा है कैकेयी ऐसा कर सकती है, दशरथ हताश हो जाते हैं। इसको शुरू करने के पहले हम लोग दो तीन छोटी बातें करें। पहली बात है, हम लोग कभी कभी खुशी के मारे कहते ना, खुशी के मारे फूला नहीं समाना, इतना फूल गया है कुछ समा नहीं रहा अपने मन। और कभी कभी कृतज्ञता के बोझ में आकर किसी को हम लोग कुछ वचन दे देते हैं, हम लोग कुछ बोल देते हैं, बाद में पछताना पड़ता है इसके लिए। यह जो कहानी है, हम लोग इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकाल रहे हैं, बिल्कुल साधारण शब्दों में, बिल्कुल साधारण शब्दों में। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, द्रुपद और द्रोणाचार्य, ये लोग बचपन में एक साथ थे और उसमें द्रुपद ने कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तो मैं आधा राज्य दे दूंगा, और बाद में द्रोणाचार्य उसको लेने के लिए जब आते हैं तो द्रुपद नाराज होकर कहते हैं कि बचपन की बातों को तुम इस तरह से कैसे ले रहे हो, गलत है। यानी जब हम लोग रामायण आदि को देखते हैं, विशेष करके रामायण को या इस घटना विशेष को जब देखते हैं, इसका अर्थ है कि आपकी मनस्थिति चाहे जो हो,
चाहे आप खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे, या आप कृतज्ञता के बोझ में दबे हैं, या अवसन्न हैं। हम लोग जब दो ही हम लोग का होता है, या तो हर्ष है या शोक है। हर्ष के मारे हम लोग का मन बहुत अधिक फूल जाता है, हम बोलते हैं माला माल कर दो। और जब हम लोग थोड़ा अवसन्न हो जाते हैं, शोक में डूब जाते हैं, तो लगता है कि सब खत्म हो गया। ऐसे में हम लोग बहुत समय ना कुछ बातें कर बैठते हैं, यह आगे चलकर बहुत खतरनाक हो सकता है, बहुत बहुत बहुत। केवल यह जो दशरथ और कैकेयी का वर्णन है, केवल इस घटना को अगर आप याद रखें, आप देखेंगे जीवन में बहुत सारी समस्याओं से आप बच जाएंगे। दशरथ ने कृतज्ञता के मारे, हर्ष के मारे दो वरदान दे दिए, जो मर्जी मांग लो, क्योंकि उस समय उनकी जान बची है। लेकिन आगे चलकर फिर उनकी जान कहीं अटकेगी और उसमें यह खतरा हो सकता है, या और कभी उन्होंने नहीं सोचा था। इसलिए क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग को बहुत संभल के रहना चाहिए। इसमें लगता है कि जैसे हम लोग थोड़ा बनियागिरी कर रहे हैं, हिसाब कर रहे हैं, नहीं, बहुत संभल के रहना चाहिए बोलने के समय आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि शब्द, विचार और वस्तु तीनों एक ही होते हैं। इस तीनों में कोई अंतर नहीं होता है। अगर आप मन ही मन सोचते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत में बहुत बार वर्णन आता है, कैसे जब श्री कृष्ण जी का जन्म होता है और वसुदेव जेल में हैं, और वो मन ही मन संकल्प करते हैं कि मैं इतनी गाय दान करूंगा। बाद में जब वो जेल से छूटते हैं तो उसको यथार्थ करते हैं, गाय दान करते हैं। क्योंकि चाहे आपने विचार में है, शब्द से आप बोलते हैं, या हाथ से करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में कोई अंतर नहीं होता है। अगर आपने किसी को पिटाई कर दी, गंदा है, लेकिन अगर आप बोलते भी हैं, समान रूप से गंदा है, और मन में अगर आप सोचते हैं, समान गंदा है। विशेष करके जो व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर चल रहे हैं, आध्यात्मिक स्तर पर, उनके लिए तीनों बात बराबर होती है। अभी हम लोग देखेंगे बीच बीच में ना, ये हो अल्लाह हंगामा जो चल रहा है, हम लोग प्रायः बोलते हैं कि मैंने तो तुम्हें गाली दी, तुम मुझे मार क्यों रहे हो। हम लोग जब छोटे बच्चे थे ना, स्कूल में ये सब बहुत होता था। एक लड़का दूसरे को गाली सुना रहा है तो दूसरा जाकर उसे पिटाई कर दिया, और वो जाकर के शिकायत करेगा, देखे मुझे पीट दिया। अब जब पता करेंगे कि तुमने क्या किया था, गाली दी थी, हाय दो शब्द बोला इसलिए तूने पिटाई कर दी। अभी देखेंगे ना, ये जो भारत में चारों तरफ, यहां पर यह अवरोध, वहां पर वह प्रतिरोध, यहां पर उसको गाली दे रहे हैं, यहां पर उसको कोस रहे हैं, हम लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि दोनों ही हिंसा है। जब अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे, चाहे आप किसी की पिटाई कर रहे हैं या केवल आप शब्दों के माध्यम से अपना मन अवरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं, बात बराबर होती है। लोग समझते नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत स्थूल हैं। आप गाय भैंस को अगर पुचकार करके सब कुछ बोलेंगे ना, गाय भैंस हमेशा नहीं समझेगी, डंडा लगाना पड़ता है। कुछ चीजें जहां डंडा लगाना पड़ता है, और कुछ है थोड़ा पुचकार करके बोलिए हो जाएगा। घी कभी सीधे उंगली से और कभी टेढ़ी उंगली से निकलती है। जो लोग बहुत स्थूल हैं, ग्रॉस, वो केवल मार समझते हैं, और उनके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन जो बहुत सूक्ष्म स्तर पर चलते हैं, वहां पर अगर मन में भी अगर आपने पाप किया तो पाप। ये हिंदू लोग प्राय कहते हैं, इसमें भागवत में बहुत सुंदर एक प्रसंग आता है जहां पर कहते हैं कि कलयुग देखो कितना अच्छा है, सत्ययुग की तुलना में भी अच्छा है। क्योंकि सत्ययुग में अगर आप पुण्य करना चाहें, पुण्य करें तो आपको पुण्य मिलेगा, और पाप मन में अगर सोचेंगे तो पाप हो जाएगा। कलयुग में अगर मन में भी अगर आप अच्छा कुछ करते हैं तो उसका पुण्य आपको मिलेगा, और बुरा करने के लिए आपको करने से पाप लगेगा। यानी मन से भी अगर आप
अच्छा संकल्प करते हैं तो आपको पुण्य मिलेगा। माने कलयुग में लोग इतने पापी हो गए, इतने निकृष्ट हो गए हैं कि सोच में भी दूसरे का अच्छा नहीं करेंगे। वास्तव में अच्छा करना तो भूल ही जाइए। तो बोलते हैं तुमने मन में सोचा कि अच्छा कुछ करेंगे, अच्छा चलो इसी में तुमको बहुत पुण्य हो गया। तो कहते हैं ठाकुर, कहते हैं गृहस्थ के बारे में, गृहस्थ के लिए मन का पाप पाप नहीं है, क्योंकि असल में मन का पाप और शरीर का पाप दोनों समान होते हैं। लेकिन जो स्थूल लोग हैं, जिनकी बुद्धि मोटी है और समझ मोटी है, उनके लिए अंतर है। तो जब आप किसी को वर देते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, इसका अर्थ यह हुआ कि आपने उसको दे दिया। देखें एक बहुत सुंदर कहानी पुराण की जो है, सत्य हरिश्चंद्र और विश्वामित्र की कहानी। विश्वामित्र ऐसा करते हैं, स्वप्न में आते हैं और हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दान दे देते हैं। अगले दिन पहुंच जाते हैं कि तुमने तो दान कर दिया, दो। क्योंकि अगर स्वप्न में भी आपने दान किया, वह वास्तव में दान करने के समान है। हमने अपने सीनियर लोगों से, बड़े बड़े साधु संन्यासी के मुंह से सुना है, कहते हैं कि देखो सपने में भी मैंने गलत काम नहीं किया है। या हम लोग बोलते हैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता हूं। ये तीनों असल में एक ही होते हैं, चाहे आप सोचें, चाहे आप बोलें, चाहे आप करें, तीनों समान होते हैं। यहां पर हम लोग जब किसी को वचन दिए हैं, अब आपको सत्य प्रतिज्ञ रहने के लिए उसे पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो आप मिथ्यावादी हो जाते हैं। केवल मिथ्यावादी नहीं होते, यह लूटने के समान है। आपने किसी से कुछ आप लूट ली, जैसे चोरी करना एक पाप है, वैसे ही अगर आप किसी को कुछ वचन देते हैं, उसको पूरा नहीं करते हैं, तो वह चोरी के समान है। असत्य भाषण सत्य की चोरी कर ले रहा है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। ठाकुर श्री रामकृष्ण देव बहुत नाराज हो जाते थे अगर देखते थे कि किसी ने कुछ कहा और उसका पालन नहीं कर रहा है। यह है मूल। अब इसमें वाल्मीकि रामायण बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ तो है ही, साथ में काव्य रचना भी है, और इसको इतने सुंदर ढंग से नाटकीयता के साथ, जिसमें कि दुख भी है, व्यंग्य भी है, हास्य भी है, सब कुछ मिल करके चलता है। और यही हम लोग देखेंगे एक के बाद एक जो आ रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि कैकेयी अंतःपुर में जाकर के चुपचाप पड़ी हुई है, जाकर के देखते हैं कि शैया पर नहीं है, कोप वन जमीन पर कहीं लेटी हुई है। वो पूछते हैं कहाँ है, तो प्रतिहारी जो वहां पर है बोलता है कि ये तो कोप भवन की ओर चली गई है, कोई भवन होता था शायद। दशम सर्ग में 23-24 नंबर श्लोक वो सुंदर है। सवृद्धस तरुणीम भार्याम प्राणेभ्योपि गरीयसीम। राजा तो बूढ़े थे, कई तरुणी थी, कैसे थी पता नहीं, क्योंकि अगर बहुत पहले वो लोग एक साथ युद्ध किए हो सकता है वो, और तीसरी थी छोटी रानी थी। तो कहते इसलिए अपने को ना उसके प्राणों से अधिक प्यार करते थे। ये एक कहावत ही है कि बूढ़े व्यक्ति को अगर कोई तरुणी मिल जाए शादी में, अब बूढ़ा व्यक्ति तो मरेगा। कोई भी बूढ़ा व्यक्ति, उसको अगर बुढ़ापे में कोई जवान लड़की मिल जाए, बंदा गया मरा, उसको कोई नहीं बचा सकता है। तो बोलते प्राणों से प्रिय। यहां पर ना देखिए वाल्मीकि किस तरह से जो मनोविज्ञान मानसिक अवस्था का वर्णन करते हैं, सवृद्धस तरुणीम भार्याम। कौशल्या को इस तरह से प्यार नहीं करते थे, क्योंकि दोनों की उम्र में बहुत अधिक अंतर नहीं था। अंतर यहां बहुत अधिक है वहां पर जाकर के। तो इस पर कहते हैं कि अपापा पाप संकल्पाम ददर्श धरणी तले। दशरथ के मन में कोई पाप नहीं था, लेकिन कई मन में पाप भरा हुआ था।
और बूढ़े आदमी है ना, बूढ़ा व्यक्ति किसी तरुणी को कहां से संतुष्ट करके रखेगा। ये अपने जो लास्ट मुगल बहादुर शाह जफर थे, उनके साथ भी समस्या थी, उनको भी बहुत सारी बीवी थी उस तरह से। उसमें एक थी छोटी, वो इधर भाग जाती थी उधर भाग जाती थी, उसको लेकर के वो परेशान रहते थे। तो कभी जहां भी कोई बूढ़ा व्यक्ति, वो बूढ़ा कर दुआ 40 पार कर गया, 40 पार कर गया मतलब बूढ़ा, यानी पति पत्नी में उम्र का अंतर अगर 20 के ऊपर गया हुआ तो समझिए कि गया खत्म। लेकिन मनुष्य का मन है, लोभ में पड़ जाता है, आकर्षित हो जाता है और आग की लपट में जैसे फतिंगे जाके गिरते हैं वैसे ही गिरते हैं। उसको खुश करने के लिए बोल रहे हैं, ना ते हम अभी जानामी क्रोधम आत्मनि संक्षितम, तुम्हारा क्रोध मुझ पर है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया है, जरूर किसी और ने तुम्हारा तिरस्कार किया है, बोलो किसने किया है, और तुम जो मुझे दुख देने के लिए इस तरह से लौट रहे इसका क्या कारण है, मैं परेशान हूं। संक्षेप में हम लोग बात कर रहे हैं, और अगर तुम्हें कोई रोग है तो रोग बतला, क्या रोग है, हमारे यहां जितने वैद्य हैं मैं अभी सबको बुला करके मैं उनको संतुष्ट करूंगा जिससे वो तुम्हें ठीक कर सके। क्या क्या संभावनाएं हैं, एक के बाद एक संभावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं हम। कस्य वापि प्रियम कार्ये केन वा विप्रियम कृतम, बोलो किसका प्रिय करना है या किसने तुम्हारा अप्रिय किया है। अगर किसी को कुछ देना है, जैसे मैंने कहा माला माल कर दो और इसे इसको क्या फांसी दे दो, नहीं सर कलम कर दो, इसे माला माल कर दो इसका सर कलम कर दो, राजा लोगों के हाथ में क्षमता थी तो वो कहते हैं बोलो जिसको बोलो हम कर देते हैं, तुम रो मत। और अगर चाहती हो जो अवध्य है उसका भी मैं वध कर दूंगा, ब्राह्मण लोग अवध्य होते थे या फिर जो गुरुजन है अवध्य हैं, और अगर कोई ऐसा है जो कि प्राण दंड का अधिकारी है उसे अगर क्षमा करना है बोलो मैं क्षमा कर दूंगा, क्या क्या चाहिए बोलो। अहम चही मदीयाश सर्वे तब वशानुगा, मैं और मेरे जितने भी लोग हैं मंत्री सेनापति सब तुम्हारे अधीन हैं, तुम जो बोलोगे वही होगा। कामी व्यक्ति कैसा हो जाता है, बलम आत्मनि जानंती नमांग शंकी तुमरसी, तुम मेरी क्षमता को जानती हो, राजा है ना लेकिन तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है हम पर, बोलो क्या करना है करके। यहाँ पर बहुत लंबा एक वर्णन करते हैं कि जहाँ तक सूर्य का चक्र घूमता है सब मेरे अधीन है, और इसमें द्रविड़ सिंधु सोवीर सौराष्ट्र सब कुछ बोल रहे हैं लेकिन संदेहजनक है, या हो भी सकता है क्योंकि बाकी वर्णन नहीं है। द्रविड़ मन हो गया बिल्कुल तमिलनाडु तक द्रविड़ देश, और सौराष्ट्र मने वेस्टर्न इंडिया पश्चिम भारत, तो इसमें ये कहना कि ये अयोध्या का आधिपत्य है मुझे लगता है कि ये थोड़ा काव्यिक अलंकार है, संदेहजनक है। लेकिन बाद में श्री रामचंद्र जी वनवास जाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, और कहते हैं कि राजा भरत की आज्ञा से हम लोग यहाँ पर हैं, तो हो सकता है कि राजा दशरथ मतलब उस समय जो कोसल प्रदेश है उसका आधिपत्य पूरे भारत पर था, संभावना है। लेकिन इसके पहले हम लोग जहाँ जहाँ देखे जैसे मिथिला आदि वहाँ पर ऐसा कुछ वर्णन नहीं था, और जब श्री रामचंद्र जी का विवाह हो रहा है उसमें भी ऐसा कुछ वर्णन नहीं देगा, इसलिए कहना मुश्किल है। और इसी जी को बोलते हैं कि ये दशरथ बोल रहे हैं, कैकेयी बोलती है न तो किसी ने मेरा अपमान किया है और न मैं निंदित हुई हूँ, मेरे मन में एक मनोरथ है बस उसकी सिद्धि चाहती हूँ, अगर आप उसे पूरा करना चाहें पहले प्रतिज्ञा कीजिए कि करेंगे। तो दशरथ सुनकर के बहुत खुश हो गए तुरंत, हाँ वो
कैकेयी लेटी हुई है वहाँ पर बैठ गए, कैकेयी का सर अपनी गोद में रख लिए, दुलार करना शुरू किए। क्या बात है ऐसी, क्या बात, बोलो अरे क्या करना है, मेरे लिए जो प्राणों से प्रिय हैं और जिसके बिना जीना मेरे लिए असंभव है, उस श्री राम की शपथ खाकर मैं कहता हूँ जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। पहले तो उन्होंने एक बार गड़बड़ी की थी, अब दूसरी बार गड़बड़ी कर रहे हैं। तो कहते हैं वही राम की शपथ खाकर तुरंत कैके बोलती है कि यथा क्रमेण शपसे वरंग मांग ददासी च तृण्वंतु त्रयंग स्त्री शद देवा सेन्द्र पुरोगमा। स्वर्ग में अवस्थित 33 देवता सुन ले, राजा दशरथ ने यह बात कही। यह 33 देवता, यह वेद में हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि तीन तरह के देवता हैं, भूलोक पृथ्वी के, अंतरिक्ष और स्वर्ग के। शुरू में कहते हैं अलग अलग संख्या है, 3 कहते हैं, फिर 33 कहते हैं, और वहाँ से होते होते अभी 33 करोड़ संख्या पर पहुँच गई है। लेकिन सबसे प्रचलित है 33 देवता, पुराने ग्रंथों में 33 देवता ही मिलते हैं। और साथ में इसके बाद कहे कि पूरा एक लंबी सूची बोलती है, चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा। हिंदू लोग सब कुछ को ना एक मूर्तिमान मानते हैं। घरों में रहने वाले गृह देवता, इसके अलावा जितने प्राणी हैं सब सुन लें, सब देवता सुने। और महाराज जो सत्य प्रतिज्ञ हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, ये मुझे वर दे रहे हैं बोल करके दशरथ को तो कुछ समझ में नहीं आया। बोल क्या हुआ था, बोलते हैं कि आपको याद है जब देवासुर संग्राम हो रहा था उस समय मैंने आपको कैसे कैसे बचाया, तो जो पुरानी कहानी है उस समय आपने मुझे कहा था दो वर, तो बस दो वर, भरत का अभिषेक और रामचंद्र को चौदह वर्ष के लिए दंडकारण्य में वनवास। यह एकादश सर्ग में आता है, 24 नंबर, 27 नंबर। चिराज इन धरो धीरो रामो भवतु तापसः। वलकल आदि पहनकर हम लोग देखेंगे, बाद में इसका वर्णन आएगा, जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण ये दोनों जब वनवास में थे तो वलकल पहनते थे, यानी वृक्ष की छाल। लेकिन जब आप सीरियल आदि में देखेंगे तो रामचंद्र को बहुत सुंदर धोती पहना के रखे हैं। यहां तक कि वर्णन आएगा बाद में, सीता साड़ी पहने हैं और उस पर एक वलकल बांध दिया जाता है सिंबॉलिक। लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों वलकल में थे, और जब युद्ध कर रहे हैं उस समय भी वलकल में ही थे। तो वलकल और जिनुआ चर्म, ये जो मृग चर्म, तो बस चिराज इन धरो धीरो रामो भवतु तापसः। मृग चर्म पहनकर राम वनवास कर रहे हैं ब्रह्मचारी की तरह, और ब्रह्मचारी की तरह का अर्थ हुआ किसी भी तरह का भोग नहीं कर सकते हैं, सीता के साथ संभोग नहीं कर सकते हैं आदि। स राज राजो भव सत्य संग्रह कुलम च शीलम चही जन्म रक्ष च। हे राजा, आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, अब आप अपने कुल, शील तथा जन इसकी रक्षा कीजिए। यानी अगर आप सत्य नहीं करेंगे तो आप जो उच्च वंश में जन्म हुए इसका नाश होगा, आपके कुल, आपके कुल का नाश होगा, यानी अप्रतिष्ठा बनेगी, और शील, आप जो एक अपना व्यक्तिगत है वह भी गया। तीन चीज इसमें, माँ बाप जुड़ जा रहे हैं, राजा दशरथ स्वयं जुड़ जा रहे हैं, और साथ में उनका जो कुल है सब। तो क्योंकि दशरथ को समझ में नहीं आया क्या सुन रहे हैं, उनका दिमाग घूम रहा था, फिर उनको लगा कि अरे मैंने कुछ गलत सुना है, ये चित्त में कुछ मोह हो गया, क्या बोल रही है।
व्यथितो विक्लवश्चैव व्याघ्रिम दृष्ट्वा यथा मृगः। मैं हमेशा अपने दोस्तों को कहता हूँ, परिचितों को कहता हूँ, जीवन में एक बार वाल्मीकि रामायण अवश्य पढ़िए। संस्कृत अगर नहीं भी जानते हैं कोई समस्या नहीं, गीता प्रेस का जो संस्करण है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर हिंदी अनुवाद है, और संस्कृत यहाँ इसकी जो भाषा है इतनी सहज सरल, जहाँ नहीं समझ में आएगा हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिए। राजा दशरथ का वर्णन करें कैसे, कहते हैं बाघिन को देखकर मृग की जो अवस्था होती है, हरिण की जो अवस्था होती है, कैकेयी को देखकर दशरथ की वही अवस्था है। अभी जो शेर बना हुआ आया ना, हमारे एक मित्र बहुत अच्छा जोक बोले थे, अब कहीं से उन्होंने सुना था या बनाया था पता नहीं, बोलते कॉरपोरेट वर्ल्ड में एक सज्जन थे, खूब हुंकार भरते थे, तो उसके दोस्त ने कहा कि ऑफिस में तो पूरा सिंह बने फिरते हो, घर में क्या हो जाता है। बोला घर सिंह तो मैं घर में भी रहता हूँ, केवल मेरी पत्नी माँ दुर्गा बन जाती है। यहाँ वही हाल है, अभी तक सिंह बने थे दशरथ, और अब बोल रहे हैं कई के सामने कई के जैसे सिंह नहीं है, बाघिन है, यहाँ पर बाघिन कहते हैं, और हरिण के समान असहाय कांप रहे हैं। कहते हैं कि दूसरा बोलते मंडले पन्नगो रुद्धो मंत्रे रिव महाविष, कोई सांप उसके चारों तरफ अगर कोई मंत्र से कोई रेख वृत्त बना दिया जाए तो सांप जी से अवश्य हो जाता है। ये बहुत प्रचलित, हमने बहुत सुना है लेकिन पता नहीं कितना सच है, क्योंकि जैसे इतने बड़े ग्रंथ में जब आया है तो कुछ मंत्र शक्ति अवश्य है जहाँ की ऐसा करते हैं। एक बार हमको हमारे एक स्वामी जी बतला रहे थे कि उन्होंने देखा था एक बार कोई प्राणी था जो बहुत परेशान करता था, तो उसको फिर किसी ने टोटका उटका कर दिया तो उसका मुंह ही बंद हो गया उसका, और स्वयं देखा हुआ था। तो पता नहीं सब कितना सच है नहीं है, क्योंकि एक जाति इस तरह की कहानियों को लेकर के जब चल रही है हजारों साल से, सच्चाई तो कुछ होनी है। बच्चों के भूत जैसा नहीं है ना, बच्चे लोग भूत देखा करते हैं लेकिन छोटे बच्चे देखते हैं, जब बड़े हो जाते हैं हम लोग काल्पनिक भूत को देखना बंद कर देते हैं। यह शास्त्र है, एक शास्त्र में हो सकता है कल्पना के अनुसार कहा गया हो, लेकिन जब इतने सारे ग्रंथों में आता है और भारत के जीवन चरित्र में जब आता है तब इसे संदेह नहीं कर सकते हैं। राजा दशरथ गुस्से में भर करके ओ धिक इति सामर्शो, धिक्कार है चीख रहे हैं, और इतना शोक हो गया कि उनकी चेतना लुप्त हो रही है। और अभी जो जिसको बोल रहे थे बोलो माला माल किसे कर दें, सर कलम किसका कर दें, कहते हैं निशंग से दुष्ट चारित्रे कुलस्या से विनाशिनी। अरे दुष्टे, तू कुल का विनाश करने के लिए है, डाइन पापिनी, बोलो मैंने किं कृतम तव रामेण पापे पापम मया भी वा, मैंने कौन सा पाप किया है, राम ने कौन सा पाप किया जिसका तुम इस तरह से बोल रही हो, और अभी तक तो तू माँ जैसा वर्ताव करती थी और तू क्यों इस तरह से अनिष्ट घटे पर उतारू हो गई है। मैंने तुम अपने घर में लाके रखा था इतने प्यार से, कि तू राजकन्या के रूप में तुम तीखे विष वाली नागिन है मुझे आज समझ में आ रहा है। इन यह जो दर्शन है या जो भाव है इसको लेकर बाद में बहुत सारी कहानी प्रचलित है पूरे भारत में कि कैसे मृत्यु किसी के साथ सारे जीवन उसके साथ साथ चलती है, और जब उसके मरने का समय है, जैसे हम लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक राजा को बोल दिया कि तुम नदी में डूबकर मरोगे, पानी में डूबकर मरोगे,
तो उसने कसम खा ली कि हम पानी के आसपास कभी नहीं जाएंगे, कभी जाता ही नहीं था। उसको यहाँ तक कि बोल दिया था कि तुम्हारी मृत्यु इस दिन इस समय पानी में डूब कर है। तो जब इसके बाद उसने शादी की तो शाम में वो रानी बोलना शुरू करती है कि देखो मुझे बहुत गर्मी लग रही है और चलो तालाब में मैं नहाने जाऊंगी। राजा बोले नहीं देखो मेरा मृत्यु योग है, पानी के करीब नहीं जाएंगे। बोले नहाने मैं जा रहा हूँ, तुम्हें क्या मतलब है। जैसे उतरी तो कहती है कि सुनो मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मेरे केस को पकड़ के रखो जिससे कि हम डूब नहीं जाए। तो राजा ने उसका केस पकड़ा जिससे कि डूब नहीं जाए। जैसे वो केस पकड़ा उसे एक झटका मारा और राजा सीधे पानी में डूब के ख़त्म। तो रानी जो है उन्हें मृत्यु जो है रानी बनकर के उसके साथ घूम रही थी। बच्चों की कहानी है, इस सबको हम लोग आक्षरिक रूप में नहीं ले सकते, लेकिन इस तरह की सैकड़ों कहानियां हैं। और एक है इसमें भी आपके इसमें तुर्की आदि देश की तरफ इस तरह की एक कहानी है कि एक बहुत बड़े आदमी थे, उसका सेवक एक दिन आकर के बोलता है कि हुजूर मुझे अभी तुरंत घोड़ा दीजिए। क्यों? कि मैंने अभी मृत्यु को देखा है, वह मृत्यु मुझे लेने वाली है। जैसे मान लीजिए कलकत्ते में, तो मालिक बोला ठीक है ले लो घोड़ा ले लो। तुम कहाँ जाओगे? तो जैसे बोला ये पटना पहुँच जा रहे हैं यहाँ से 500 किलोमीटर दूर। घोड़ा लेके भागा। तो कुछ देर बाद वो घूमते घूमते मृत्यु को देखता है मालिक, तो मृत्यु को डांटता है ये क्या बात है, तुम क्यों डरा रहे हो मेरे सेवक को, तुम्हारे कारण घोड़ा लेकर भाग के पटना पहुँच गया। बोला अच्छा हुआ, क्योंकि उसकी मृत्यु तो पटना में होनी है, यहाँ नहीं होनी थी। तो उसको डरा दिया जिससे कि वो पटना भाग जाए, अब मृत्यु वहाँ जाकर के उसे पकड़ेगा। तो ये सब कहानियाँ हैं, कितना सच है क्या झूठ हम लोगों को क्या पता है, लेकिन इतना पता है कि जीवन में आप जिस पर पूर्ण विश्वास करते हैं, पूरा भरोसा करते हैं, लगता है कि जैसे इसके बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा, और जीवन में सब कुछ आपके लिए करता है या करती है, हठात एक समय ऐसा आता है कि सब कुछ बदल जाता है और राजकुमारी नागिन की तरह खट से मारती है। तिष्ठल लोको बिना सूर्यम सस्यम वा सलिलम विना, सूर्य के बिना यह संसार टिक जाए हो सकता है, और पानी के बिना खेती हो जाए, लेकिन राम के बिना मैं नहीं रह सकता हूं। तो कहते हैं कि वो सुंदर कहते हैं अपीते चरणों मूर्धना स्पृश्यामि सप्रसीदमि, कैकेयी तुम्हारे चरणों में मैं अपना पांव रखता हूं, तुम ऐसा वर मत मांगो। सोचिए जिसको अभी तक राजा दशरथ इस तरह से बोल रहे थे ये करेंगे वो करेंगे, नहीं जिसके प्यार में उसी से मार खा करके ना उसके चरणों पे अपना सर रख रहे हैं। तू तो पहले कहती थी श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं, और ये क्या हुआ? यानी तुम पहले चिकनी चुपड़ी बातें करती थी, अब क्या हो गया? करके बहुत सारी बातें कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के गुण का वर्णन कर कहते हैं राम के बिना मेरी क्या गति होगी, थोड़ा तो सोचो। मम वृद्धस्य कैकेयी गतांतस्य तपस्विनः, मैं बूढ़ा हो गया हूँ कैकेयी, मौत के किनारे बैठा हूँ, मेरी अवस्था शोचनीय हो रही है, मैं दीन भाव से गिड़गिड़ा रहा हूँ, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। ये बहुत सुंदर है, अगर आप लोग कठोपनिषद पढ़ेंगे तो इस तरह से नहीं, लेकिन यमराज तीन वर देते हैं नचिकेता को, और नचिकेता तीसरे वर के रूप में बोलता है आत्मा का रहस्य। तो परीक्षा लेने के लिए यमराज कहते नहीं नहीं कुछ और वर मांग लो। एक बार दो बार बोलने के बाद तो बहुत सुंदर है, यमराज बोलते हैं माँ मो प्रोसी रति माँ जना, किसी से किसी महाजन से अगर आपने कर्ज लिया है
तो जब वापस करने का समय आता है और अगर आप नहीं करते तो कैसे गले में गमछा लगा करके आपको खींचेगा, यमराज करे नचिकेता, मैं बंधा हूं, तुम्हें जो मैंने वर दे के रखा उसे मैं बंधा हुआ हूं, तो महाजन की तरह मुझे इसे मत खींचो, इसे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये वचन, जब आप वचन देते हैं ना, बहुत संभल करके। खैर, यमराज परीक्षा ले रहे थे क्योंकि वो देख रहे थे कि शिष्य उत्तम है या नहीं, लेकिन करेंगे बहुत सुंदर है। मम वृद्धस्य कैकेयी गतान्तस्य तपस्विनः, बूढ़ा हो गया हूं, मरने वाला हूं, दीन भाव से तुम्हारे चरणों पर पड़ा हूं, ऐसा मत करो। 38 नंबर श्लोक में आते आते कहते हैं, प्रत्युवाचात कैकेयी रौद्रा रौद्रतरम वचः। इतना उन्होंने विनय करें दशरथ, लेकिन कैकेयी अब गर्म हो रही है, गर्म हो रही है, गर्म हो रही है। बहुत पहले मैंने एक कविता लिखी थी, भस्मासुर। भस्मासुर चरित्र मेरे लिए बहुत प्रिय चरित्र है क्योंकि हम लोग सभी किसी न किसी रूप में भस्मासुर है, जो दूसरे को भस्म करने जाता है लेकिन अपने सर पे हाथ रख लेता है। तो वहां पर मेरी एक पंक्ति थी, जहां प्रेम से प्रेम टूटता, समझो जन्मा एक असुर, कह लो उसको भस्मासुर। हाँ, दुख दैन्य विपत्ति इनसे ही, महासमर आतंक इन्हीं से। ये जितना कुछ है ना, इन्हीं लोगों से होता है, लेकिन हम ये लोग भूल जाते हैं जिसको आप परेशान कर रहे हैं, आप भूल जाते हैं असल में आप भस्मासुर हैं। मैं जब किसी व्यक्ति को देखता हूं ना क्रोधित, किसी भी व्यक्ति को लगता कि ये तो भस्मासुर है, भस्मासुर। हम लोगों को लगता है कि हम उसको हानि पहुंचा रहे हैं क्रोध करके, नहीं। मैंने अपने जीवन में देखा है, मेरे मन में अगर कभी क्रोध आ जाए ना, आता ही है, मनुष्य हूं, एक दिन के अंदर, उस दिन के अंदर मुझे बहुत बड़ी हानि हो जाती है, बहुत बड़ी। या तो कोई मुझे बहुत जबरदस्त बेइज्जत कर देंगे या कोई बहुत जबरदस्त चोट लग जाएगी। तो यानी क्रोध जैसे ही आता है मेरे मन में, मैं घबराना शुरू करता हूं, जल्दी से साफ करो, साफ करो, साफ करो। कई कई क्रोध भी है लेकिन अपना विनाश कर रही है। पहले तो चारों तरफ आग जलाएगी, फिर खुद भी इसमें जलेगी। तो कहते हैं कि और भी भीषण रूप उसने धारण कर लिया, रौद्रतरम, क्रोध में तो थी, अब रौद्र होगी। यदि दत्वा वरो राजन पुनः प्रत्य अनुतप्य से धार्मिक कत्वम कथम वीर पृथिव्याम कथयिष्यसि। दो वरदान देने के बाद अगर आप पश्चाताप कर रहे हैं तो आप जो ढिंढोरा चारों तरफ पीटेंगे कि आप धार्मिक है, धार्मिक है, ये कैसे करेंगे? आप जो सबको दिखाते रहते हैं ना कि धार्मिक है, और ये तो आपके अंदर में ये चल रहा है, और यही कहेंगे ना, प्राण संकट के समय जिसने मेरी प्राण रक्षा की उसको मैंने दो वर दिए और मैंने उसके वर को पूरा नहीं किया। व्यक्ति जब क्रोध में आ जाता है, किस तरह से सारी मर्यादा को का लंघन कर देते हैं। क्रोध की परिभाषा भी यही है, क्रोधी व्यक्ति गुरुजन का भी अपमान कर बैठता है और गुरुजन को भी प्रताड़ित कर देता है। गुरुजन है दशरथ, उसके पति हैं, उम्र में बड़े हैं, क्षमतावान है, सब कुछ है, लेकिन कई कई बस के बाहर हो गई है। अभी देखेंगे यंग, ये जो नई पीढ़ी जो आ रही है, इनमें इतना क्रोध भरा हुआ है, इतना क्रोध भरा हुआ है, देखकर डर लगता है कि लोग कहाँ जा रहे हैं, किसी के नाम में कुछ भी गाली सुना रहे हैं। उससे समझ में आता है कि क्रोध है अंदर। सत्वम धर्मम परित्यज्य रामम राज्ये भी विश्य च सह कौसल्या नित्यम रंतुम इच्छसि दुर्मते। अपने पति को दुर्मति बोल रहे हैं, दुर्बुद्धि दशरथ। धर्म को तिलांजलि आप दे रहे हैं क्योंकि आप रख नहीं रहे,
राम को अभिषेक कराएंगे और कौशल्या के साथ मस्ती मारेंगे, यही आप करना चाहते हैं ना। बचपन से हम लोग जब ये कैकेयी की कहानी जब सुनते थे तो वह चरित्र जो है ना इस तरह से बनाया गया है जैसे कि आप उसको घृणा करना चाहें, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि कैकेयी का चरित्र ही वास्तविक मानव चरित्र है। श्री रामचंद्र जी पिता की बात पर जो चले जाते हैं यह मानव चरित्र नहीं है, देव चरित्र है। जो व्यक्ति ऐसा कर सकता है वह देवता है। कैकेयी जो कर रही है ये मानवीय गुण है, इसीलिए यहाँ पर किसी को पसंद करना नहीं पसंद करना हम लोगों के साथ क्या, हमारी बुद्धि बाल बुद्धि है और बाल बुद्धि होने से क्या होता है, हम लोग इसको अच्छा मान लेते हैं उसको बुरा मान लेते हैं, फिर अच्छे के प्रति पूरा सब कुछ लगा देते हैं, बुरे के प्रति जम करके थूकना शुरू करते हैं। जीवन ऐसे नहीं चलता है। कैकेयी परेशान है। मंत्रा ने जैसे कहा कि कौशल्या की अभी तक वो अवज्ञा करती थी, अब कौशल्या की दासी उसके सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा और भरत ही नहीं भरत के जितने भी पुत्र हैं सब राम के पुत्र के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ेगा। वास्तविक डर है और इसलिए वो जो उसे करना चाहिए वो कर रही है। अभी देखिए आप लोग प्राय सुनेंगे रामचंद्र जी की निंदा करते हैं, राम ने सीता को वनवास क्यों दे दिया, नहीं अपनी पत्नी को प्यार नहीं किया उन्होंने वनवास कर दिया। लेकिन यही इन्हीं लोगों से अगर पूछेगा अच्छा राजा दशरथ तो अपनी पत्नी को प्यार कर राम को वनवास भेज दिया वो ठीक है ना, कोई नहीं बोलेगा, उत्तर नहीं देगा। राजा दशरथ तो कैकेयी को प्यार करते थे और कैकेयी ने बोला था अपने बेटे को वनवास भेज दिया, ये सही किया ना। यानी ये जो दशरथ का चरित्र है यहां पर और कैकेयी का चरित्र ये राम से श्रेष्ठ है ये मानते हैं आप, पूछिएगा किसी को, कुछ भी बोलते हैं न समझ है न चिंतन है पढ़ाई भी नहीं है, कुछ भी बोलते हैं निंदा करेंगे राम ने ऐसा क्यों किया। और दशरथ ने तो ऐसा ही किया था, वो आपको पसंद है ना, यह तो ग्रंथ है आप चुन लीजिए आप कैसा बनना चाहेंगे, कैकेयी के वश में दशरथ होना चाहते हैं या जन सेवा में रत रामचंद्र बनना चाहते हैं, आप निर्णय कीजिए। ग्रंथ में सब कुछ है, जो आपके पेट में से उसको ले लीजिए। हाँ बस वो तो क्या क्या बोलते हैं, सच है गलत है जो भी है, जो प्रतिज्ञा आपने मेरे सामने की है उससे मैं नहीं हटने वाली हूं, आप अपना हट जाइए, वर मैंने जो मांगा है वहां से मैं नहीं हटने वाली हूं। जिस दिन राजमाता के रूप में कौशल्या के सामने मैं हाथ जोड़कर खड़ी होंगी उसके पहले मैं मर जाना चाहती हूं, यह है वास्तविक मानसिकता। उम्र में कम थी, इठलाती थी, कौशल्या को कुछ नहीं समझती थी, अब समस्या में पड़ गई है। तो यहां इसमें सरस्वती का उतरना और कुबुद्धि देना कुछ नहीं है, बिल्कुल स्वाभाविक सत्य है ये। कैकेयी चुप हो गए, राजा दशरथ गिड़गिड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि लगता है किसी भूत प्रेत ने तुम्हारे मन को पकड़ लिया है, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें लज्जा भी नहीं आती है। अगर तू अपने पति का भला चाहती है, भरत का भला चाहती है, सारे जगत का भला चाहती है, यह संकल्प त्याग दे, जैसी बातें होती हैं। और उसके बाद कहते हैं कि राम को अगर मैं वनवास भेजता हूं उसके बाद लंबा वर्णन देते हैं, इस तरह के श्रेष्ठ लोग जब मुझे पूछेंगे, प्रजागण जब मुझे पूछेंगे, ऋषिगण जब पूछेंगे राम कहाँ गए, मैं क्या उत्तर दूंगा। और राम को वनवास में देखकर साथ में सीता को यहां रोती हुई देखकर मैं अधिक दिन जिंदा नहीं रह सकूंगा। अभी तक तो तू मीठे वचन बोलती थी, तुम्हारे अंदर यह है, व्याध लोग जैसे संगीत के द्वारा हरिण को वश में करते हैं पकड़ने के लिए,
तू बिल्कुल वैसी है, तू अभी तक जो मेरे साथ मीठी बातें कर रही थी केवल मुझे फंसाने के लिए। लगता है कि मेरे पूर्व पूर्व जन्म में किए हुए पापों का फल मुझे मिल रहा है। बालिशो बत काम आत्मा राजा दशरथो वृषम स्त्री किते या प्रियंग पुत्रम वनम प्रस्था पयिष्यति। बहुत दुखी करके कहते हैं लोग क्या बोलेंगे मेरे नाम में, लोग कहेंगे राजा दशरथ मूर्ख है, कामी है, जो एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज दिया। रामचंद्र को अगर मैं बोलूं वन में जाने के लिए जरूर जाएंगे, लेकिन यह ठीक नहीं हो रहा है। और अगर मेरे साथ तुम यह कर रही हो, अगर रामचंद्र वन चले गए तो तुम क्या क्या अत्याचार करने वाली हो कौसल्या पर, सोचकर मुझे आतंक लग रहा है। कहके कहते हैं दिक अस्तु योषितो नाम षठा स्वर्थ परायणा। गुस्से में दशरथ बोल रहे हैं स्त्रियों को धिक धिक, ये लोग मूर्ख होती हैं और स्वार्थ स्वार्थ परायण होती हैं। क्योंकि फिर संभल के बोलते हैं कि नहीं, सारी नारी के प्रति मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मैं केवल भरत की माँ के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। दिगस्तु योषितो नाम षठा स्वार्थ परायणा। औरतें जो हैं स्वार्थ पर हैं, राजा दशरथ परेशान हैं। साथ में कहते हैं मन उनका अवसन्न है ना, कभी एक तरह की बात कर रहे हैं फिर दूसरी तरह की बात कर रहे हैं। के राजकुल की कलंक। सुंदर कहते हैं के राजकुल की कलंक, तुम बिस खा लो, तुम फांसी पर जाओ, तुम्हारी बात मैं नहीं मानूंगा। लेकिन फिर उन्हें ख्याल आता है बदनामी होगी, फिर कहते हैं स्प्रीशाम अपि पादोपि ते प्रसीद में। कैकेयी तुम्हारे मैं पांव पकड़ता हूँ, तुम शांत हो जाओ, तुमने जो वर मांगा ऐसा मत करो। कैकेयी नहीं रुक रही है, तुम कत्त से महाराजा सत्यवादी व्रत, अभी तक तो आप बहुत डींग मारते थे कि आप सत्यवादी हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा, अब क्या हो गया। अरे व्यक्ति जब क्रुद्ध हो जाए कैसा हो जाता है। दशरथ सुन सुन करके बिल्कुल मर्माहत, बिल्कुल बेहोश से अचेत से होकर गिर गए, अचेत से गिर गए, बेहोश होकर पड़े हैं। रात भर ऐसे ही बीत, रात ऐसे ही बीत गई। सुबह में वाद्य यंत्र आदि लेकर सेवक लोग उन्हें उठाने के लिए आए, आकर के देखते हैं कि राजा दशरथ पड़े हैं। राजा दशरथ तुरंत उन्हें मना कर देते हैं। साधारणतः जब वो वाद्य यंत्र आदि बजता है ना, प्रभाती जो सुने होंगे ना, राजा को ऐसे ही उठाया जाता था, सब बंद करवा दिए। अभी भी वह कैकेयी रुकी नहीं है, कहती है आपने तो दो वर मुझे दिए थे और इस तरह से आप पृथ्वी पर पड़े हैं, जैसे कि पहले पाप करे और फिर पश्चाताप करे, यह आपकी दुर्वस्था है। नौटंकी मत कीजिए, सत्पुरुषों की मर्यादा में अवस्थित होइए। सत्य का अनुसरण कीजिए। दशरथ कहते हैं कि देखो शादी के समय मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, शादी के कुछ मंत्र के बारे में कहते हैं, जहाँ पर होता है सांगुष्ठम ते गृमनामी सौभगत्वाय हस्तम, वेद का मंत्र है। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, अभी मैं तुम्हारा हाथ छोड़ रहा हूँ। अरे हाथ छोड़ने से हाथ छोड़ी हो जाता है। बोल रहे हैं कि देखो मैं धर्म के बंधन से बंधा हूँ,
धर्म के बंधन से बंधा हो, मेरी चेतना लुप्त हो रही है, मेरी चेतना लुप्त हो रही है, मैं राम को देखना चाहता हूं। इधर बाकी किसी को तो कुछ पता नहीं है क्या हुआ है। वशिष्ठ सूत पुत्र सुमंत्र, जो सूत पुत्र था और राजा दशरथ को सलाह भी देता था, धृतराष्ट्र और संजय का भी यही संपर्क था, सुमंत्र को बोलते हैं जा राजा को बोलो मैं आ गया हूं, अभिषेक होना है ना। सुमंत्र जैसे होते हैं जाकर के पहले करते थे हाथ जोड़ करके राजा की स्तुति करना शुरू करते हैं, राजा लोगों की जैसे स्तुति करते हैं उसके बारे में कहते हैं, वो हमेशा बड़ी बड़ी स्तुति, चरवाहे के बिना गाय की जो दुर्वस्था होती है, आपके बिना राज्य की ऐसी ही दुर्वस्था होती है, आप उठे ऐसे करके कहते हैं, ततस्तु राजा तम सूतम सन्नहर्ष सुतम प्रति, रात भर सोए नहीं है, परेशान है, आंख नेत्र उनके लाल हो गए हैं। दशरथ कहते हैं ऐसी बातें बोल करके तू मुझे मर पर और आघात कर रहे हो, सुमंत्र को कुछ पता ही नहीं है। सुमंत्र हाथ जोड़कर दो कदम पीछे हट गए, क्या कैकेयी बोलती है, सुमंत्र राजा रजनीम राम हर्ष समुत्सुक प्रजागर परिशांतो निद्रावशम उपागता। व्यक्ति जब हिंस हो जाता है उसकी बातें कितनी हिंसात्मक, तिल मिला जाते हैं हम लोग सुनकर के। सुमंत्र को तो कुछ पता नहीं है, उनको बोल रही है सुमंत्र रात भर ये जो राम का राज्य अभिषेक जनित हर्ष है इस कारण उत्कंठित होकर के जागते रहे हैं और अधिक जागरण के कारण थक गए हैं, इसलिए अभी इन्हें नींद आ रही है, तुम जाओ रामचंद्र को बुला लाओ। सुमंत्र समझ जाते हैं कि अश्रुत्वा राजवचनम कथम गच्छामि भामिनी, राजा का साक्षात आदेश पाए बिना मैं कैसे कर सकता हूं। यह देखिएगा हम लोग प्राय करते हैं ऐसा भारतवर्ष में नहीं सब जगह है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी। जैसे कोई मुख्यमंत्री है और उसका अपना कोई परिचित है, भाई भतीजा जो भी हो या बीबी, अब सबको पता है कि ये तो शक्तिशाली मुख्यमंत्री हैं या शक्तिशाली डीएम है, शक्तिशाली एसपी है। अब उनके जो परिचित है ना, वो अगर कोई आदेश देता है लोग उसको पालन करते हैं डर के मारे, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी। बहुत खतरनाक होता है किसी भी राज्य में, किसी भी समाज में अगर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी, उसमें फिर क्या होता है, क्षमता हाथ में आ जाती है लेकिन उस क्षमता के साथ आपका जो दायित्व है वह नहीं रहता है। यह बहुत सारी बातें हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं सामने, लेकिन आप जब देखेंगे प्राय देखेंगे कि इस तरह के लोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी जिनके पास रहता है, क्षमता तो होती है लेकिन दायित्व तो नहीं रहता है। साधारणतः यह देखा जाता है जिनके जो पीठासीन हैं अधिकारी उनके आसपास के लोग इस तरह का काम करते हैं, कैकेयी यही कर रही है, सुमंत्र सीधे मना कर देते हैं, राजा के आदेश के बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। दम्य सुमंत्र रामम द्रक्ष्यामि शीघ्र मानय सुंदरम, दशरथ हताश है, बोलते हैं जाओ राम को ले आओ। सुमंत्र को अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, केवल सोच रहे कि कैकेयी को इतनी जल्दी क्या पड़ी है राम को बुलाने की, अभिषेक में तो अभी समय है, तैयारी होनी पड़ी, इसे क्यों बुला रहे। फिर वो सोचते हैं शायद राजा दशरथ
शीघ्रातिशीघ्र उनका अभिषेक कराना चाह रहे हैं, इसलिए जल्दी मचा रहे हैं। सुमंत्र पहुँचे श्री रामचंद्र जी को संवाद देने के लिए कि आपके पिता श्री अभी तुरंत आपको देखना चाहते हैं। यानी चारों तरफ जो कोहराम मचने वाला है उसकी सूचना, उसकी शुरुआत। यहीं समाप्त करते हैं, इसके बाद हम लोग बाद में देखेंगे।